गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप कह रहे हो इतने सुबह सुबह किधर जा रहा है भाई? मैं अभी जा रहा हूँ वराजा साइड, क्योंकि हम रील शूट करने वाले हैं आज। और अभी पापा यहाँ पे हम अन्ना के पास आए सुबह सुबह 6:30 बजे, क्योंकि इडली खानी थी और भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो मेरे मित्र भी आ गए हैं, हेलो। अभी इडली वगैरह खाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अन्ना। अभी मस्त गर्मा गर्म इडली खाएंगे और मजे ही मजे। फ्रेंड्स, हमारे मस्त सी इडली आ चुकी है। ये देखो भाई, तीखी चटनी और वगैरह, तीखी चटनी और नारियल की चटनी मेरी फेवरेट, अन्ना के वहाँ से ही खाता हूँ रोज। और पापा भी खा रहे, पापा ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया। अरे यार, मेरे लिए तो कोई रुक जाओ, मैं भी खा लेता हूँ भाई। फ्रेंड्स, आज सनराइज तो देखो, ऐसे तो मैं सुबह जगता नहीं हूँ और ये ऐसा नज़ारा देखने नहीं मिलता, ऐसा कभी कभी देखने मिलता है। और ये देखो भाई, सूरज दादा के मस्त दर्शन भी हो गए और बहुत मजा आ रहा है। तापी मैया के भी, तापी मैया का किनारा, उनके भी दर्शन हो गए और अभी बस निकल रहे हैं। मैप चालू हो चुका है हमारा, अभी बोले नहीं तो अच्छा है। फ्रेंड्स, एयर मॉल पहुंच चुके। मैंने अभी एतन से को फोन किया कि भाई किधर पहुंचे, वो कह रहा अभी बस 5 मिनट में निकल रहे, पापा गाड़ी में बैठे। मैं थोड़ा ये सनराइज देख रहा था इसीलिए मैं बाहर निकल गया था भाई। और यहाँ पे तो भाई मैं कभी कभी आता हूँ, क्योंकि हम तो उस साइड रहते इसीलिए। तो बहुत मस्त सा बना है यार एयर मॉल। मेरी ईश्वर जहाँ से मूवी है ना, उसका प्रीमियर शो जो सूरत का प्रीमियर शो था, वो भी इधर ही हुआ था। अभी थोड़ा घबराहट वाला माहौल है, जो थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रश मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, तो अभी थोड़ा डर लग रहा है। अभी हमने कर लिया है कपड़े चेंज। आपको बहुत ज्यादा जोश दिख रहा होगा, क्योंकि वो इतने राजा धीराज वाले कपड़े थे ना, इसलिए भाई मेरे से तो नहीं संभाले जा रहे थे। तभी कपड़े वगैरह चेंज हो गए, वापिस से एक मस्त से एक लाइट वेट कपड़े पहन लिए। अभी बहुत ज्यादा अभी रील बना रहे हैं, अभी कैमरा वगैरह एकदम मस्त से रेडी है, बहुत मजा आ रहा है सुबह सुबह। मैचिंग तो है कपड़े और हम दोनों की एक टीम बन चुकी है। खत्म हो चुका है, अभी बस जाएंगे स्टूडियो पे। अभी यहाँ पे एक जगह आना था, वहाँ पे आके अभी जल्दी फटाफट स्टूडियो पे, बहुत थक गया हूँ क्योंकि बाद में थिएटर भी जाना है मुझे। अभी हम आ गए एप्पल सिनेमा में, क्योंकि स्टूडियो गया था, बट यार इतना ज्यादा थक गया था ना, और इतनी धूप से मैं, इतनी कड़ी धूप में मैंने शूट किया, तो बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं तो व्लॉग बनाना भूल गया, मैं तो ऐसे सो गया था। पापा कहते तेरे को रेडी होना है, तेरे को पता है सिनेमा में जाना है, मैं भूल गया था। और ये देखो भाई, यहाँ पे अभी रिनोवेशन कर रहा है ना, ये देखो कितने बड़ा सा फिश टैंक है भाई, कितनी सारी फिशेज है यहाँ पे भाई। मेरे को कह ही रहे थे कि हम फिश टैंक बनवा रहे हैं। और यहाँ का इंटीरियर तो है ही एकदम जोरदार है, एप्पल सिनेमा है अपने जहांगीरपुरा में। अगर आपने विजिट नहीं किया तो जरूर से करना, एप्पल सिनेमा मेरा फेवरेट सिनेमा है, आप भी जरूर आना। यहाँ पे मैं तो आता ही रहता हूँ। तो चलो अभी पापा लोग वहाँ पे देखो बातें वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो तो काम करेंगे, मैं तो कुछ नहीं करता। आप सोच रहे हो क्या होगा एक थिएटर में, क्या हो सकता है भाई? पूरा मसाजर बेड है, जैसे कि ये रिमोट है उसका मसाज का, जैसे मैं इसके ऊपर सो गया। राकेश भाई एक बार सो जाओ, ये रहे हमारे पास डेमो के लिए भी आपको देता हूँ। राकेश भाई सो जाओ, अभी मैं उनकी मसाज चालू कर देता हूँ। मेरे को थोड़ा ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई भी मुझे कुछ कहेगा नहीं। चालू हुआ? हाँ, ये चालू हो गया। और ये देखो कैसा लग रहा है, पीछे मसाज हो रही है ना। और ये देखो पैरों से भी अभी खड़ा हो जाएगा। ओ चलो खड़े हो, अब मजा आ रहा है, ये देख रहे हो मजा आ रहा है, खड़े हो जाओ। चलो बंद ही कर देता हूँ, बंद ही कर देता हूँ।
पे क्या है, मजा लेने की चीज है तो बंद कर दिया लो। तो गाइस बहुत अभी बाजू में भी एक और चीज है, वो भी आपको दिखाने चलता हूँ फटाफट। ये मैंने कहा ये दिखा देता हूँ, पूरे इंडिया में कोई जगह नहीं है जो हमारे एप्पल सिनेमा में यार, ये इसे तो कहते हैं सूरत। ये तो देखो बाजू में जा रहे फटाफट फटाफट, चलो बाजू में भी देखते हैं। इसको पहले अच्छे से तो करना पड़ेगा ना, तो बंद करो ना भाई। वी हैव टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, अभी हम हो रहे हैं रिक्लाइन। आपने ऐसे तो किसी को देखा नहीं होगा भाई, खाली थिएटर में पूरा घूम रहे, कुछ मूवी वगैरह कुछ भी नहीं चालू, पूरा पूरा थिएटर खाली है और हम लोग ऐसे ही दो बंदे ऐसे हैं जो पागलों की हरकतें कर रहे हैं और यहाँ पर सारी जगह घूम रहे हैं। जगह अभी आपको पीछे भी दिखाता हूँ, पहले सीधा हो जाऊं। हम दोनों ऐसे भाई, ऐसा आपने कभी देखा है कोई बंदा खाली थिएटर में घूम रहा है? ये देखो ये देखो ये है दूसरा, रुको मैं आ रहा हूँ। ये मैं अभी आ गया, देखो ये देखो भाई, ये पूरा ऐसा मस्त से बनाया हुआ है। ये हमारे राकेश भाई सो रहे हैं, चलो टाटा राकेश भाई। भाई पूरा खाली थिएटर में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हो स्वस्तिक बाग, और जो मस्त थिएटर बनाया हुआ है, मजा आ रहा है हम लोगों को। तो हम मस्ती खोर बच्चे को मजा आ रहा है, सारे को मजे ही मजे आ रहे हैं। चलो भाई अब दूसरा घूमते हो, कुछ चलो कुछ और नहीं है देखने के लिए। अभी हम इधर आके बैठ चुके हैं, हम सारी जगह आज घूम रहे हैं थिएटर में, क्योंकि पापा के फ्रेंड का थिएटर है इसीलिए हम यहाँ पे घूम पा रहे हैं। हमारे कृष्णा भाई है, राघव भाई है, उनका है, तो फिर उनके वजह से आज हम ऐसे थिएटर देख पा रहे हैं। बाकी तो भाई आप लोगों को दिखाता है और आपको भी दिखा रहे हैं, बाकी तो हम उनको थैंक यू कहते हैं। बाकी तो हम लोग ऐसे ही मूवी देखो, बाहर निकलो और भागो। भाई ये देखो कितना मस्त सा कैंटीन बना के रखा है उस साइड भी भाई, पूरा ये देखो इंटीरियर देख रहे हो, ये देखो भाई, देखो ये मेरा खुद का मूवी का, और ये मेरा खुद का मूवी का पोस्टर मिल गया, देखो खुद का मूवी जिसके लिए मैं आज आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाउसफुल है मेरी मूवी 8 वीक से हाउसफुल चल रहा है भाई 8 वीक, मतलब क्या ही होता है भाई, 50 डेज कम्प्लीट हो गए, आज 55 डे है मेरी मूवी का, और उसकी वजह से आज सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, सरप्राइज के लिए आए हैं। यहाँ का फिश टैंक आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे कितने कितने प्यारे प्यारे फिश वगैरह है। ये कुछ अलग ब्लैक टाइप के, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एक तो। अरे लाइट के कारण दिख भी नहीं रहा है, आप दिखिए प्रॉपर ये। हेलो दोस्त, कैसे हो आप? स्वस्तिक जोशी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? ये देखो भाई कितना मस्त सा है, मोई तो टाइम। देखो यहाँ पर राकेश भाई को चिढ़ाते पी रहा हूँ, मेरा तो आ रहा है। हाँ उनका आ रहा है, मेरा आ चुका है, और वहाँ पे सारी मछलियाँ खाना खा रही है और मैं उनके सामने मोई तो पी रहा हूँ। देखो आप, ये पूरा अभी सेटअप किया है क्योंकि आज मेरे मूवी के 55 डेज हुए कंप्लीट, और अभी उसका सेलिब्रेशन करने वाले सब लोग, और यहाँ पे केक वगैरह भी अंदर रखे अभी, क्योंकि जितने भी ऑडियंस है उधर हम यहाँ पे दिखा देंगे सारी जगह। सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, पापा पापा अभी थोड़ी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं और पापा और धर्मेश भाई और प्रमुख सर है वो सब अभी यहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे, और यहाँ पे पूरी ऑडियंस बैठेगी भाई, मस्त से केक कटिंग करेंगे। अभी बस होने वाला है, अभी मूवी खत्म तो अभी सब आते ही होंगे, तो अभी सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी केक भी आ चुका है, और बस अभी सब सेट हो जाए, बाद में लाइव भी होना है मेरे को। चलो बाय बाय। अरे मैं खुद को बाबा
सेलिब्रेशन वगैरह किया, बहुत मजा आया। अभी खाली नीचे घूमने वगैरह जाते हैं, क्या जा रहे हैं अभी देखते हैं नीचे जाके। मजा आया सेलिब्रेशन में सबको, ऑफिस में बैठे क्योंकि अभी 7 बजे का शो है। तो अभी हम सब अभी 5:30 वगैरह हुए, अभी बस बहुत भूख लगी थी तो खाना वगैरह खाया और यहाँ पे मजा आ रहा है। वो हमारे मोदी जी बैठे है, यहाँ पे पापा, वहाँ पे मैं, यहाँ पे राकेश भाई, और ये अभी हम इसको सोच रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, सब गैस कर रहे, सब अपना अपना आइडिया लगा रहे कि भाई अंदर क्या हो सकता है। तो ये गिफ्ट मिला है मुझे, अब इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। थोड़े अनबॉक्सिंग के लिए अभी इधर है कुछ नहीं क्योंकि स्टूडियो पे नहीं हूँ अभी मैं, अभी बेसमेंट में हूँ गाड़ी के पास, तो अनबॉक्सिंग थोड़ी खतरनाक करनी पड़ेगी आज। ओए भूल गए क्या ये? मेरे को तो समझ में नहीं है क्या ही गिफ्ट दे दिया भाई। लगता तो है भाई सही में क्या पता नहीं क्या है, कुछ तो है। ये ले, ये चाबी दो भाई, हमारे कैमरामैन के पास चाबी है। ना शूज नहीं है बट है क्या उसमें, वो तो दिखा भाई, तूने तो देख ही लिया है, मेरे को पता ही है क्या है यार ये। इतना सस्पेंस क्यों रखते हैं ये लोग रे इसमें। देखो यार अबे देखो ये तूने जो बोला वही चीज है, देखे ये देखो डायरी, ये चॉकलेट है भी, ये देख पेन, वाओ, और एक मग। उसको छोड़ अभी, इसमें देख चॉकलेट निकल गया, ये सब बाकी सब चीज छोड़ो, ये सब। वाओ थैंक यू सो मच, चलो शुभम के मार्क से मुझे ये गिफ्ट मिला है, थैंक यू सो मच आपने दिया इसलिए। मस्त सी डायरी है, कब खोल के देखते हैं। हां इधर से दिख गया है, खोल तो सही, खोल दो, खोल, कॉफी, चलो अच्छा है, कोल्ड कॉफी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इंटरवल पड़ी है मेरी मूवी के और जस्ट अभी हम लोग पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे हैं, कोक वगैरह पी रहे हैं क्योंकि ममता बहन और राकेश भाई का तो उपवास है और हम दोनों खाली कोक पी रहे हैं और उपवास में ये खा रहे हैं। बट कोक फरारी पॉपकॉर्न है हाँ, और मैं और पापा के लिए कोक ले आई, ये तो कोक पीते नहीं है इसलिए हम दोनों ने ले लिया। गाइस अभी हम लोग ने सब मूवी वगैरह देख ली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। देखो सारा जो ऑडियंस वगैरह था वो भी चला गया है और सबके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा के अभी हम दोनों जो आज पूरा थिएटर घूम रहे थे वो भी पानी पीने आए हैं, थक गए यार, पानी पीना तो होता ही है। अभी वापस धर्मेश भाई आ रहे हैं, अभी देखते क्या प्लान है, क्या है आगे, हमें कुछ नहीं पता है, हम तो मूवी देखने में मशगूल है। पानी आ गया, देखो हमारे मैनेजर साहब ने पानी दे दिया हमें। हेलो पिताश्री, बोलिए। बहुत मस्त, एकदम आज का दिन बहुत मस्त रहा, बहुत मजा आया मेरा, बहुत बार हैप्पी बर्थडे हुआ। हाँ बहुत बार हैप्पी बर्थडे हुआ, सस्ती भी थक गया होगा आज तो बराबर पूरे दिन, क्योंकि बस जोश तो उतना ही दिख रहा होगा। ठीक है तो आज हमने इन लोगों को पूरा थिएटर दिखाया। हाँ ठीक है तो बस इस ब्लॉग को अभी यहाँ पे एंड कर लो क्योंकि अभी नींद आती होगी। ठीक है चलो इस ब्लॉग को इधर ही कर दूंगा एंड। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हर महादेव।